तो स्टूडेंट, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आणविक द्रव्यमान। ठीक है, इससे पहले अपने परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, उसकी इकाई क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन किया। फिर आपने देखा कि औसत अणु भार, औसत परमाणु भार किसे कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन किया। एक उदाहरण के द्वारा आपने इसको समझा भी। आज जो हमारा जो टॉपिक रह रहा है वो रह रहा है हमारे पास आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान जिसको आपने क्या कहा गया कि किसी एक अणु का द्रव्यमान। ठीक है, तो अणु के द्रव्यमान को ज्ञात किया जाएगा आज, कि अणु के द्रव्यमान को किस प्रकार से ज्ञात अपने कर सकते हैं। तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित, इसकी परिभाषा देने चाहिए तो क्या देंगे, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु। ठीक है, उसमें उपस्थित जो विभिन्न तत्व हैं, तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, क्या होता है अपने पास आणविक द्रव्यमान, ये कह रहा है किसी अणु का आणविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं, उन परमाणु द्रव्यमानों का जो योग है, उसे क्या कहा जाता है, आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास परिभाषा होगी किसकी, आणविक द्रव्यमान की, अपने परिभाषा की। जैसे अपने कहते हैं कि यहाँ पर उदाहरण लिया जाए तो मेथेन का आणविक द्रव्यमान अपने को ज्ञात करना है। किसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है अपने को, मेथेन का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को मेथेन का अपने को अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो मेथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH4। इस CH4 का अपने को क्या ज्ञात करना है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो अपने का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, उसमें उपस्थित विभिन्न तत्व, तत्व कौन कौन से हैं। पहला तत्व हमारे पास कौन सा है, कार्बन। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है हमारे पास, तो कार्बन का अपने जो परमाणु द्रव्यमान कल ज्ञात किया था वो कितना था, 12.011। और इसकी क्या यूनिट दी थी, एकीकृत द्रव्यमान। इसको क्या यूनिट दी थी अपने, एकीकृत द्रव्यमान, यू से इसको प्रदर्शित किया था। इसी तरह से हाइड्रोजन का अगर द्रव्यमान माना जाए तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान अपने कितना ज्ञात किया था, 1.008। ठीक है, और इसकी इकाई क्या रख दी, एकीकृत द्रव्यमान इकाई रख दी अपने। तो ये इन दोनों का द्रव्यमान है परमाणुओं का। तो अपने को यहाँ पर किसका ज्ञात करना है, मीथेन का। तो मीथेन का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, CH4। कार्बन का कितना है इसमें, कार्बन एक, तो 1 × 12.011। ठीक है, यू प्लस योग करना है अपने को, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 × 1.008 यू। ठीक है, तो इन दोनों के द्रव्यमानों का जो योग है वो योग हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान हो जाएगा। तो मेथेन का कितना हो जाएगा, 16.043 यू, मेथेन का आणविक द्रव्यमान अपने को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी तत्व के आणविक द्रव्यमान या किसी अणु के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, और उदाहरण लिया जाए अपने पास मेथेन के बाद में, जैसे अपने कॉमन जो उदाहरण है, कॉमन उदाहरणों में अपने पास जल का उदाहरण आता है, तो जल का आणविक द्रव्यमान अपने ज्ञात करते हैं। तो जल का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा हमारे पास, जल का सूत्र क्या होता है हमारे पास, H2O। तो H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, तो H2 किससे मिलकर बना हुआ है, H2 के अंदर हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.008, एकीकृत द्रव्यमान इकाई, ये किसका हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन का द्रव्यमान आ गया। और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो कितना है हमारे पास, 16, एकीकृत द्रव्यमान इकाई, या आपने इसको 15.909 भी आपने इसको माना था तो वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन का भी आप एक लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं अपने को। ठीक है, तो इसका अपने पास जो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, तो हाइड्रोजन कितने पास, 2 × 1.008। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 1, तो 1 × 16।
ठीक है। तो अब यहां पर अपने इसका कुल द्रव्यमान जो ज्ञात किया जाएगा जल के अणु का, वो कितना आ जाएगा 18.02 द्रव्यमान इकाई, एकीकृत द्रव्यमान इकाई हमारे पास आ जाएगी। क्योंकि हमने कहा था पहले इकाई क्या ली गई थी, AMU एटॉमिक मास यूनिट, और उसको बाद में किस में कन्वर्ट कर दिया था अपने पास, एकीकृत द्रव्यमान इकाई के अंदर अपने इसको कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये जल के एक अणु का आणविक द्रव्यमान अपने को प्राप्त हो गया। फिर इसी तरह से अपने ग्लूकोज के अणु का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये किसका सूत्र है हमारे पास, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का सूत्र हो गया। इस ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान अपने ज्ञात करते हैं कि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान अपने पास कितना है, तो अपने कार्बन कितना मान सकते हो अब इसको, 12 भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, या 12.001 ले लो। ठीक है, हाइड्रोजन का एक, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16, ये इनके द्रव्यमान हो गए हमारे पास। तो अपने को इस सूत्र के अकॉर्डिंग चलना है, तो सूत्र के अकॉर्डिंग कितने हो जाएगा, कार्बन कितने 6 गुणा कितना हो जाएगा 12, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 12 गुणा 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हमने पास 6 गुणा 16। ठीक है, तो यहां से अपने क्या करते हैं, इसके आणविक द्रव्यमान को ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका अगर अपने इस प्रकार से आणविक द्रव्यमान अगर ज्ञात करेंगे इन सभी का, तो हमारे पास ग्लूकोज के अणु का जो आणविक द्रव्यमान अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, 180 यू आपको प्राप्त हो जाएगा। इस यू को जो अपने जो नाम दिया था वो क्या दिया था अपने पास यहाँ पर, यूनिफाइड मास या एकीकृत द्रव्यमान। यू को क्या कहा जाता है, एकीकृत द्रव्यमान, या इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये अपने पास परमाणु भार की इकाई थी, तो इसी से अपने पास किसकी आ गई, आणविक द्रव्यमान की भी इकाई अपने को इसी रूप में अपने को प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये अपने किसी भी पदार्थ का या किसी भी अणु के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने का हमारे पास क्या हो गया, तरीका हो गया। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैंने इस एग्जांपल में हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना लिया, 1.008 लिया है, यहाँ पर आपने 1 लिया है। ठीक है, कार्बन का आपने कितना लेते हैं, 12.011 लेते हैं, यहाँ पर मैंने 12 ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको 12.011 देकर अगर कर रखा है तो आप उसको कर लो। सीधा आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान क्या है, तो आप ये मानकर कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन का भी अपने जो आणविक द्रव्यमान है, वास्तविक जो द्रव्यमान है, वो वास्तविक इन तीनों के अपने पास जो अलग थे, क्योंकि अपने पास कहा कि बाद में अपने कहा कि परमाणु भार जो है वो किस रूप में लिया जाता है, औसत परमाणु भार के रूप में अपने शब्द को प्रयोग में लिया जाता है। तो अब औसत जब लेते हैं, वास्तविकता में जो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान था वो कितना था, 15.995 था। ठीक है, ये परमाणु भार था, लेकिन अपने यहाँ पर क्या ले रहे हैं, औसत परमाणु भार ले रहे हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन के जितने भी समस्थानिक हैं उन समस्थानिकों की आपने क्या किया था, कल अपने जैसे औसत परमाणु जो द्रव्यमान ज्ञात किया था उसके अपेक्षिक बहुलता से अपने इसको ज्ञात किया था, वो कितना होता है 16। इसी तरह हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक अपने पास, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो इन तीनों से जो अपने को प्राप्त हो रहा है 1, वैसे इसका कितना था 1.0078 था। ठीक है, इसी तरह से कार्बन का जो अपने पास था वो कितना था 12.011 था अपने पास। तो ये परमाणु, लेकिन यहाँ पर अपने क्या ले रहे हैं, औसत परमाणु भार ले रहे हैं, तो औसत परमाणु भार का प्रयोग करते हुए अपने इस रिजल्ट को निकाला है। ठीक है, हाँ, अगर एग्जाम में आपको ये दे रखे हैं तो आप इनसे निकाल लीजिए, अगर ये नहीं दे रखे तो आप डायरेक्ट इनसे भी अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ में अपने को कन्फ्यूज होने की आवश्यकता अपने को नहीं है इस चीज़ के अंदर कि अपने किस प्रकार के द्रव्यमान का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, कि औसत परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग कर रहे हैं या परमाणु द्रव्यमान का, सामान्यतः अपने जब रसायन विज्ञान के अंदर औसत परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए मैंने आपको जो हल करके दिखाया ये औसत परमाणु द्रव्यमान से अपने इसको हल किया है। ठीक है, तो ये हमने जो टॉपिक हमारा हुआ जो परमाणु द्रव्यमान के बाद में अपने आणविक द्रव्यमान का जो टॉपिक है उसको भी अपने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है, सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, सूत्र द्रव्यमान मतलब जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पर बेस्ड जो द्रव्यमान है उसे क्या कहा जाता है, सूत्र द्रव्यमान कहा जाता है। सूत्र द्रव्यमान क्यों ज्ञात करना पड़े ताय अपने को, तो अपने कहते हैं कि कुछ पदार्थ में जो उनके घटक है वो इकाइयों के रूप में अणु
अलग से उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें उनके जो घटक है, कुछ पदार्थों के जो घटक है वो घटक इकाइयों के रूप में, अणु रूप में अपने कह सकते हैं अलग नहीं पाए जाते हैं। वो क्या पाए जाते हैं, अपने बात करें सामान्यतः कि वो एक त्रिविमीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अपने कह सकते हैं कि कुछ पदार्थों के घटक इकाई अणु के रूप में पृथक नहीं होते, वे पदार्थ किस रूप में पाए जाते हैं। ऐसे जो पदार्थ है वो सामान्यतः त्रिविमीय संरचना में पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, अपने पास त्रिविमीय संरचना में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन पदार्थों के आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए अपने आणविक द्रव्यमान के स्थान पर कौन सा द्रव्यमान प्रयोग में लिया जाता है, सूत्र द्रव्यमान को प्रयोग में लिया जाता है। इसका अगर उदाहरण देखें तो अपने पास जो उदाहरण आता है वो कौन सा आता है, NaCl का उदाहरण आता है, सोडियम क्लोराइड का उदाहरण आता है, ठीक है। ऐसे यौगिक में अपने बात करें कि यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम क्लोराइड इस रूप में नहीं पाया जाता है NaCl, वो वास्तव में किस रूप में पाया जाता है, Na धनायन, और किस रूप में पाया जाता है, Cl ऋणायन के रूप में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl रूप में नहीं पाया जाकर वो किस रूप में पाया जाता है, सोडियम धनायन व Cl ऋणायन के रूप में पाया जाता है। तो ये जो सोडियम धनायन व Cl जो ऋणायन है, ठीक है, उसकी अगर संरचना देखें किस रूप में, बताया अपने त्रिविमीय संरचना के रूप में। तो त्रिविमीय संरचना का जो अर्थ है वो क्या है, अपने इसको बनाएं अगर इसको दोबारा बनाते हैं अपने, तो यहां पर अपनी संरचना को देखा जाए, इस संरचना के अंदर देखिए, मैं यहां पर जो हमारे पास ऑरेंज कलर है, इस ऑरेंज कलर से मैं Cl ऋणायन को प्रदर्शित कर रहा हूं यहां पर, और ये जो येलो कलर है, इस येलो कलर से मैं सोडियम धनायन को प्रदर्शित कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने यहां पर जैसे सोडियम धनायन को प्रदर्शित करें, तो इस संरचना को आप ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने पर अपने को पता चल रहा है कि जो हमारे पास बीच में कौन सा आयन है, Cl आयन, Cl आयन के चारों तरफ सोडियम आयनों की अगर काउंटिंग करें तो Cl के चारों तरफ देखिए, Cl के चारों तरफ सोडियम आयन कितना हो गया हमारे पास, देखिए एक दो, ठीक है, तीन चार पाँच और छः। तो अपने यहां पर देखा कि जो Cl आयन है वो Cl आयन चारों तरफ से छह सोडियम आयनों से घिरा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से सोडियम आयन की भी बात कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये सोडियम आयन अगर लिया जाए, ये हमारे पास सोडियम आयन था, तो ये सोडियम आयन अगर देखा जाए तो एक दो तीन, ठीक है, चार पांच, और ये संरचना जैसे अपने क्रिस्टल जालक संरचना बनाई है, तो इस क्रिस्टल जालक संरचना का अर्थ होगा कि ये संरचना लंबी दूरी तक चलती है। तो ये हो गया अपने पास छः, तो वो छः Cl आयनों से घिरा हुआ है,
तो इस तरह से प्रत्येक सोडियम आयन 6 सीएल आयनों से और प्रत्येक सीएल आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा हुआ है। तो आपने कहा किस रूप में पाया जा रहा है, वो त्रिविमीय संरचना में पाया जा रहा है। तो इसके आधार पर तो इसका जो सूत्र बना वो सूत्र तो क्या बनना चाहिए था, Na6Cl6, क्योंकि ये संरचना अपने पास पाई जाती है, यहाँ पर प्रत्येक आयन किससे घिरा हुआ है, 6 विपरीत आयनों से घिरा हुआ है। अगर धनायन की बात करें तो 6 विपरीत 6 ऋणायनों से घिरा हुआ है, और ऋणायन की बात करें तो वो 6 धनायनों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने बात करें तो इसका मतलब वहाँ पर अपने हो गया कि इस तरह के अगर सूत्र अपने पास प्राप्त होते हैं तो अपने यहाँ पर इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक अपने पास यहाँ पर यह पदार्थ घटक इकाई अणु के रूप में पृथक होता ही नहीं है। ये किस रूप में पाया जाता है, एक त्रिविम जाल के रूप में पाया जा रहा है। तो त्रिविम जाल के रूप में पाए जाने के कारण से इसका अणुभार अपने ज्ञात न करके इसका क्या ज्ञात किया जाता है, सूत्र द्रव्यमान इसका ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि अपने कह सकते हैं कि अपने से एग्जाम में अगर आ जाए कि सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात न करके इसका सूत्र द्रव्यमान क्यों ज्ञात किया जाता है, तो अपने कहेंगे क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में अणु उपस्थित ही नहीं होते। क्या आंसर हो जाएगा अपने पास यहां पर, कहेंगे अपने क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में अणु उपस्थित ही नहीं होते हैं। ठीक है, वो अणु के रूप में उपस्थित ही नहीं होता है। वो किस रूप में पाया जाता है, त्रिविम जाल के रूप में पाया जाता है। तो त्रिविम जाल के रूप में पाए जाने के कारण से अपने यहां पर इसको क्या कहा जाता है, इसका क्या ज्ञात किया जाता है, सूत्र द्रव्यमान अपने ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्या ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो सूत्र द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा, अपने पास जैसे NaCl है, सूत्र इसका, सूत्र हमारे पास NaCl है, तो NaCl का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 23.5 एकीकृत द्रव्यमान इकाई, सॉरी अपने पूरा 23 एक द्रव्यमान एकीकृत इकाई। और क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है हमारे पास, वो क्लोरीन का जो द्रव्यमान हमारे पास कितना हो जाता है, 35.5। तो क्लोरीन का जो द्रव्यमान है वो है 35.5 द्रव्यमान एकीकृत इकाई। तो इस तरह से इसका जो द्रव्यमान हो गया हमारे पास 58.5 द्रव्यमान एकीकृत इकाई अपने को सोडियम क्लोराइड का प्राप्त हुआ द्रव्यमान। तो ये जो द्रव्यमान है वो कैसा द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान है या सूत्र द्रव्यमान, तो आपने कहा कि सोडियम क्लोराइड के लिए क्या होता है, इसका सूत्र द्रव्यमान है। ठीक है, तो इस तरह के यौगिकों के लिए अपने क्या ज्ञात करते हैं, सूत्र द्रव्यमान को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक हुआ आज, परमाणु द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान, अपने यहां पर दो टॉपिक अपने यहां पर कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या है, इसकी अगर परिभाषा देखें तो ये कहता है किसी पदार्थ के एक मोल, किसी पदार्थ के एक मोल, ठीक है, किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को, व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, उसका क्या कहा जाता है, मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ है उसके एक मोल, उस पदार्थ का कितना मोल लिया जाए, एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को क्या कहा जाएगा, उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहा जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर जो इसकी यूनिट बनेगी मोलर द्रव्यमान का, जो मात्रक बनेगा, वो मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्राम प्रति मोल। क्या हो जाएगा हमारे पास मात्रक, ग्राम प्रति मोल मात्रक हमारे पास हो जाएगा, जिसमें अपने क्या करें, किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है
कितने पदार्थ, कितना लिया जाए पदार्थ, एक मोल पदार्थ लिया जाए। उस एक मोल पदार्थ का जो अगर द्रव्यमान है उसको किस में व्यक्त कर दें, अपने ग्राम में व्यक्त अगर कर दिया जाए उस द्रव्यमान को, तो उस द्रव्यमान को क्या कहा जाता है अपने पास, मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, तो अब अपने पास यहां पर कि ये मोलर द्रव्यमान अपने कहा किसी पदार्थ का एक मोल, तो अपने पास यहां पर जो टॉपिक बनता है वो टॉपिक ये है कि मोल क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल क्या है, किसे कहा जाता है मोल, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे कि मोल क्या है, या अपने पास करेंगे मोलर संकल्पना। ठीक है, मोल क्या है या आपने कह सकते हैं मोल संकल्पना क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की जाएगी, इसे क्या कहा जाता है। तो पूरा अच्छा टॉपिक है, समझना जरूरी है इसको। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इसी के ऊपर होगा, मोल संकल्पना पर आधारित।